टैक्सी ड्राइवर का मर्डर, रानीताल में बाथू पुल के पास मिली लाश, गाड़ी गायब। बैजनाथ से चंडीगढ़ के लिए टैक्सी हायर की गई थी सवारियों द्वारा। पुलिस का अनुमान कि टैक्सी हायर करने वाले ही हैं मर्डर के जिम्मेवार। जिला कांगड़ा के बैजनाथ का टैक्सी ड्राइवर पालमपुर सवारी छोड़ने गया था, लेकिन जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करने पर सीधा उसकी डेड बॉडी कांगड़ा से मिली। टैक्सी ड्राइवर की पहचान बतौर अश्वनी, उम्र 32 साल, पुत्र मोहन सिंह निवासी बड़ेखर बैजनाथ के रूप में हुई है। मृतक अश्वनी कुमार ने अभी नई स्विफ्ट कार खरीदी थी। लुटेरे ड्राइवर का मर्डर कर गाड़ी लेकर फरार हो गए हैं। मामला रानीताल पुलिस चौकी के अधीन आता है। एसएसपी दिनेश कुमार ने बताया कि आईपीसी की धारा 302 के तहत जांच की जा रही है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। अश्वनी कुमार रविवार को सवारी लेकर चंडीगढ़ के लिए निकला था। उसने सवारी लेकर पहले धर्मशाला और फिर चंडीगढ़ निकलना था। अपने पिता मोहन सिंह को उसने पालमपुर से कॉल कर सूचना दी थी कि वो चंडीगढ़ जा रहा है और रात को लौट आएगा। रात को जब वो नहीं लौटा तो पिता ने फोन किया। उसके फोन पर घंटी जाती रही, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। सोमवार को जब उसने फोन नहीं उठाया तो पिता मोहन सिंह ने गांव के प्रधान के साथ बैजनाथ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। मैं विजय कुमार प्रधान, नोरी पंचायत। मेरी पंचायत से पिछले कल जो कि अश्वनी कुमार पुत्र मोहन सिंह टैक्सी चालक, वो बैजनाथ से सिंजर लेके धर्मशाला के लिए गया था, लेकिन कल से वो लापता है। और जब आज उसके परिवार वाले सुबह मेरे घर आए तो मेरे को लेकर पुलिस स्टेशन गए, तो वहाँ पर हमने उसके बारे में कहा, तो वहाँ पर एप्लीकेशन दी, तो उसका मोबाइल नंबर जो वो ट्रेस हुआ रानीताल में। जब हम वहाँ ढूंढने गए उसको, तो वहाँ पर उसकी हमें 12:30 बजे के करीब उसकी बॉडी मिली, लेकिन उसकी गाड़ी नहीं थी। तो उसके बाद जो है हमने पुलिस अपना रानीताल को कॉल की, उनको बुला के फिर जो सारी कार्रवाई। हाँ, आज रानीताल चौकी में करीब 1 बजे के करीब दिन में इन्फॉर्मेशन आई थी कि किसी व्यक्ति की बॉडी जो है वो रेलवे ट्रैक के पास पेट्रोल पंप के पास जो है वो पड़ी है, जिस पर यहाँ से चौकी इंचार्ज और हमारे डीएसपी साहब जो है वो मौके पर पहुँचे थे। और मौके पर पहुँचकर जो है वो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे बॉडी को पाया गया, और वहीं बॉडी जो जिन्होंने आइडेंटिफाई करी थी वो भी लोग वहीं पे मौजूद थे, और जब उनसे पूछताछ करी गई तो वो जो डिसीज्ड है उसके रिलेटिव थे। पूछताछ के दौरान ये पाया गया कि जो डिसीज्ड है उसका नाम अश्विनी कुमार है और वो बैजनाथ का रहने वाला है, और पिछले कल जो है वो बैजनाथ से सवारी लेके, ही इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, और पिछले कल वो बैजनाथ से सवारी लेके आ रहा था, और उसने करीब 11:30 बजे के करीब दिन के समय अपने पिताजी को फ़ोन करके बताया कि मैं ऐसे सवारी लेके जा रहा हूँ। लेकिन रात को जब वो वापस नहीं आया तो उसके पिताजी ने उसको 8:30 बजे के करीब फ़ोन करने स्टार्ट किए। उसका फ़ोन पर बैल जा रही थी, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और मॉर्निंग में वो लोग अपने प्रधान जी के पास गए, और प्रधान और उसके घर वाले, डिसीज के घर वाले, उसके बाद वो थाना बैजनाथ में गए थे, और थाना बैजनाथ में उस व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च करवाई थी। उसके बाद जब उसके फ़ोन को हमने ट्रैक किया तो पाया गया कि उसकी जो लोकेशन है वो रानीताल के आसपास पाई जा रही है अश्विनी कुमार की। जब ये सभी लोगों को बताया तो वो लोग उसको ढूंढने के लिए यहाँ रानीताल आए थे और उसको ढूंढ रहे थे, तो तब करीब 1 बजे के करीब जब उन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन बैजनाथ और पुलिस चौकी रानीताल में इन्फॉर्म किया, जिस पर पुलिस पार्टी वहाँ पे गई। स्पॉट को देखा गया और स्पॉट पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया, और स्पॉट पे डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, और स्पॉट पे यही पाया जा रहा है कि ये जो अश्विनी कुमार है इसकी किसी ने हत्या कर दी है, और बॉडी वहाँ पर इसकी पाई गई उस स्पॉट पे, और गाड़ी जो है वो इसकी डिसअपीयर है। हमने 302 में केस रजिस्टर कर दिया है अश्विनी कुमार के फादर की स्टेटमेंट के ऊपर, और कल बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन इस केस में अब कंटिन्यू है। गाड़ी में ड्राइवर अकेला था या कोई और भी था साथ में? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलेगा कि ड्राइवर के साथ और कौन कौन थे, क्योंकि अभी इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ हमें इतना मालूम है कि ये सवारी को लेके आया था,
अब सफारी को लेके ये किधर आया था, अभी ये चीज सारी अन्वेषण का विषय है और अन्वेषण के दौरान ही पता चल पाएगा कि ये सवारी लेके कहाँ आया था। सर गाड़ी का अभी तक कुछ अभी हमने मैसेजेस वगैरह हर जगह कर दिए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि गाड़ी अगर हमारे बॉर्डर एरिया पे अगर ट्रेस हो जाए तो हम उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर बताया जा रहा है कि गाड़ी अभी नहीं है, उसका कैसे? हाँ, इसके जो फादर के बयान में ये आया है कि इसने अभी 5-6 दिन पहले ही ये नई गाड़ी स्विफ्ट डिजायर वाइट कलर की जिसका के नंबर HP68T 1544 है, ये इसको इसने कुछ 5-6 दिन पहले ही खरीदा है और ये वाइट कलर की है। सर डॉग स्पॉट से कुछ मालूम पड़ा? हाँ अभी डॉग आया है, अभी देखते हैं, अभी हम जो डॉग हैंडलर है उससे पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही कुछ पता।